तो सभी भाइयों को नमस्कार और सभी भाइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो रिव्यू करने वाले हैं वो जॉन डियर मनी जनी कंपनी का एक 50/75 ई मॉडल ट्रैक्टर आता है, जो CRDI मॉडल में कंपनी ने निकाला हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से 50 हॉर्स पावर से ऊपर के जो भी ट्रैक्टर्स आएंगे वो CRDI इंजन में आएंगे। तो भाइयों, आपको बताते चलें कि ये पूरा ट्रैक्टर जो है वो 75 HP का है और इसकी जो PTO HP है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 64.7 PTO HP है भाइयों। तो ऐसा है कि बहुत ही बड़े किसान भाइयों के लिए ये ट्रैक्टर है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक्टर छोटे किसान भाई के किसी काम का नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर जितना बड़ा होता है खर्चा उतना कम होता है। उसका एक कारण ये है कि कम समय में बहुत ज़्यादा काम करके दे सकता है ट्रैक्टर। तो यहाँ पर भाइयों, क्योंकि ट्रैक्टर 4-व्हील ड्राइव है तो बात इसके अगले टायरों से स्टार्ट कर ली जाती है। यहाँ पर भाइयों, जो इसके आगे के टायर दिए हुए हैं वो 12-4-24 के और MRF कंपनी के टायर दिए हुए हैं। जॉन डियर कंपनी अपने किसी भी पार्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट लगाती है कंपनी। तो भैयों, जो इसके एक्सल की अगर बात की जाए तो फ्रंट एक्सल इसका प्लेनेटरी ड्राइव टाइप का है और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दे रखी है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो 12-4-28 के टायर कंपनी ने दिए हुए हैं, तो जो 12-4-24 के टायर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो महिंद्रा 265 या छोटे ट्रैक्टरों पीछे के टायर होते हैं उतनी चौड़ाई इन अगले टायरों की है। और पीछे के जो टायर दे रखे हैं इसमें कंपनी ने, वो दोस्तों 18-4-30 के टायर दे रखे हैं, तो बहुत ही हैवी टायर साइज़ है। और कंपनी ने कोई भी ऐसी कमी ट्रैक्टर में नहीं छोड़ी है। गियर प्रो मॉडल यहाँ पर कंपनी ने रिलीज़ किया हुआ है। तो भाइयों, पूरा रिव्यू इसका आज आप देखेंगे चैनल पे। तो भाइयों, बड़े ट्रैक्टर के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताते चलें। 4-व्हील ड्राइव के कि इसकी पुलिंग पावर जो नॉर्मल ट्रैक्टर होते हैं उससे लगभग 30-40% ज़्यादा होती है। कम समय में कवरिंग एरिया ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि टायरों में पिछले टायरों में जब फ्रंट टायर भी खींच रहे होते हैं तो पिछले टायरों में स्लीपेज लगभग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो इसके पिछले हिस्से की बात की जाए तो आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलेंगे, जो कि 4 दे रखे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं है जो ये ट्रैक्टर चला नहीं सकता है। और पूरी की पूरी 25 क्विंटल की लिफ्टिंग क्षमता के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई एक ड्राइवर भी है तब भी यहाँ से लिफ्ट को ऊपर नीचे करके कोई भी इम्प्लीमेंट अटैचमेंट जोड़ सकता है इसमें। तो ऐसे बहुत से परिवर्तन हैं इस ट्रैक्टर में जो बहुत अच्छे दे रही कंपनी। यहाँ पर लिफ्ट में आप देख सकते हैं ये पाइप का सिस्टम जो दे रखा है, क्योंकि जो चूड़ी वाला सिस्टम है वो धूल उल फंस के कई बार जाम हो जाता है, जब उनको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत हो तो वो जुड़ता ही नहीं है। तो भाइयों, ऐसा बहुत अच्छा लुक आ रहा है ट्रैक्टर का। तो भाइयों, क्योंकि CRDI मॉडल में ट्रैक्टर आ रहा है तो यहाँ पर आपको जो कंपनी दे रही है वो एक स्टैंडर्ड मूड और इको मूड दे रखी है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैक्टर है। तो जो डीजल कंजम्पशन है जो एवरेज के लिए, कंपनी ने यहाँ पर 2 मूड दे रखे हैं। और यहाँ पर शटल शिफ्ट गेयरबॉक्स के साथ आपको ट्रैक्टर मिलेगा। लाइट का जो सिस्टम दे रखा है पूरा कार के जैसा सिस्टम दे रखा है लाइट का यहाँ पर। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, गियर प्रो मॉडल है जिसमें ए बी सी डी 4 स्पीड आपको इधर मिलती हैं देखने को। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा वो पहला, दूसरा, तीसरा और रिवर्स और पार्किंग गियर। ये जॉन डियर की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरी कंपनी आज तक इसको कॉपी नहीं कर पाई है, कि पार्किंग ब्रेक जो है वो गियर लीवर में ही कंपनी दे देती है। और भाइयों, यहाँ पर लिफ्ट, यहाँ से भी आप इसको बटन से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो मेन लीवर मैनुअली हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। सीट बेल्ट भी दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। और PTO की भी स्पीड, 2 स्पीड यहाँ पर PTO के दे रखी हैं। इंडिपेंडेंट PTO क्लच है, ये 4x4 का लीवर आपको देखने को मिलता है। तो भाइयों, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। और यहाँ पर पूरा ये टिल्ट स्टीयरिंग दे रखा है कि इससे आप स्टीयरिंग को भी ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। भैया, प्लेटफॉर्म भी फ्लैट तो नहीं है लेकिन बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कंफर्ट पूरा मिल रहा है। तो चूंकि भाइयों मैं खुद किसान हूँ तो आपको कोई गलत ऐसी जानकारी नहीं दूंगा, कोई प्रमोशनल जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। भाइयों, आप कंपनी का मैकेनिज्म देख सकते हैं कि किस हिसाब से पूरा ट्रैक्टर का इंजन फिट किया हुआ है। CRDI मॉडल है,
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं भाइयों जो इसके बारे में अभी मुझे खुद ही नहीं पता है, तो धीरे धीरे जानकारी करके आपको पूरी डिटेल बताते रहेंगे वीडियोज़ में। लेकिन जो मस्कुलर लुक ट्रैक्टर का आ रहा है भाइयों, वो देखते ही बनता है, क्योंकि इतने हैवी टायर कंपनी ने दे रखे हैं इसमें। धन्यवाद भाइयों।